नमस्ते, मैं सूरज कुमार, आपका ऑनलाइन प्रोग्राम ऑन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे कि हमें ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करना है। तो सबसे पहले हम जो आपको वेबसाइट दी गई है psLM.nupa.org, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो मैं लिख रहा हूँ, psLM.nupa.org। ये वेबसाइट हमने आपको लेटर के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड की गई है। तो इस यूआरएल को, इस वेबसाइट को आप ब्राउज़र ओपन करेंगे अपना और यहाँ पर टाइप करेंगे psLM.nupa.org। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होके आएगी। एक बात ध्यान रखना कि कई लोग क्या कर रहे हैं कि www.pslm.nupa.org ओपन कर रहे हैं। कृपया www.nupa.org ओपन ना करें, इससे वेबसाइट ओपन नहीं होगी। तो प्लीज़ यूज़ ओनली pslm.nupa.org। ओके, अब आपको बताते हैं कि हमारी ये वेबसाइट को आप देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगी, जिसमें आप कार्यक्रम की उद्घोषणा, प्रोग्राम अनाउंसमेंट, ओवरव्यू, कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, यह आप सब वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। और अब आपको बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन हमें कैसे करना है, हमें न्यू अकाउंट कैसे क्रिएट करना है हमारी वेबसाइट पे हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक रजिस्टर का ऑप्शन लॉगिन के जस्ट बगल में। तो रजिस्टर पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए एक फॉर्म ओपन होगा, जिसमें यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, ईमेल अगेन, फर्स्ट नेम, सरनेम, एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, योर एम्प्लॉय आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, डाइस नंबर, स्कूल नेम, डेजिग्नेशन, लेवल्स और स्कूल टाइम। ये सारी फील्ड आपको भरनी है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यूज़र नेम कैसे बनाना है। यूज़र नेम की सबसे पहले यूज़र नेम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यूज़र नेम होगा सारे स्मॉल करेक्टर में। जैसे मेरा नाम सूरज कुमार है तो सूरज कुमार के सारे लेटर स्मॉल होने चाहिए। इसकी जगह अगर आप अपना नाम यूज़ नहीं करना चाहते हैं, अपना यूडाइस नंबर यूज़ करना चाहते हैं, यूडाइस नंबर भी डाल सकते हैं इस तरीके से। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे डालना है। आपने सूरज कुमार, जैसे मैंने अपना नाम सूरज कुमार लिखा है, दिस इज़ माई यूज़र नेम, ये मेरा यूज़र नेम हो गया। ये आपको आगे लॉगिन करने के लिए भी मैंडेटरी होगा। अब आप क्या करेंगे, पासवर्ड कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ। पासवर्ड बनाने के लिए एक जानकारी आपको ज़रूरी होनी चाहिए कि ये पासवर्ड करीब 8 करेक्टर का होना ज़रूरी है, अनिवार्य है, जिसमें एक वन डिजिट, एक एटलीस्ट वन डिजिट, एटलीस्ट वन लोअर केस, एटलीस्ट वन अपर केस, एटलीस्ट वन नॉन अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर होना चाहिए, जैसे कि स्टार, हाइफन या हैश या एट द रेट रखते हैं हम। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे, जैसे कि मेरा नाम सूरज है तो मैं क्या करूँगा, अपने नाम का पासवर्ड बनाता हूँ। तो मैं अपने नाम का सूरज का एस कैपिटल करता हूँ और सारे करेक्टर स्मॉल। अब मैं इसमें एक स्पेशल करेक्टर यूज़ करता हूँ, जैसे कि कर सकता हूँ या हैश या यूज़ कर सकता हूँ या स्टार यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं इसमें सिर्फ एट द रेट यूज़ कर रहा हूँ। अब इसके बाद अब हमें एक न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ करनी है, तो 1, 2, 3। अब मैंने 1, 2, 3 यूज़ कर लिया, तो हमारे सारा पासवर्ड में सारी वैल्यू आ गई। एक लोअर अपर करेक्टर आ गया और एक स्मॉल भी आ गया, एक स्पेशल करेक्टर भी आ गया और 1, 2, 3 न्यूमेरिक वैल्यू भी आ गई। और इसे काउंट करेंगे तो ये 8 करेक्टर से ज़्यादा है। तो अब इस पासवर्ड को हम अपने यहाँ पर यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने लिखा, जो मैं जैसे मैंने बताया था, एस कैपिटल URAG@1, 2, 3, ये मेरा पासवर्ड बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ईमेल आईडी डालेंगे, जैसे कि ईमेल आईडी जो होगी वो हमारी पर्सनल ईमेल आईडी होगी। ये पर्सनल ईमेल आईडी पर हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, इसलिए
सभी से अनुरोध है कि सभी लोग अपनी पर्सनल ईमेल आईडी डालें। जैसे ही हमने ईमेल आईडी डालेंगे तो ऐसे मेरी है पर्सनल ईमेल आईडी डालना है, कोई स्कूल की ईमेल आईडी नहीं डालना, तो मैं डालूँगा srjofficial9@gmail.com। इसी तरीके से आपको ईमेल अगेन में भी दोबारा ईमेल आईडी डालना है srjofficial9@gmail.com। ये ईमेल आईडी डाल दी। ये ईमेल आईडी कृपया करेक्ट सही ईमेल आईडी डालें, क्योंकि इस पर एक मेल आएगा, वेरिफिकेशन मेल, जो आप पूरा फॉर्म भरने के बाद जब सबमिट पर करेंगे तब ये एक मेल आएगा जिसे वेरीफाई करना होता है। अब हम क्या करते हैं, वो बात की बात है जब हम देखते हैं। पहले हम पूरा फॉर्म फिल करते हैं, फिर मैं आपको बताते हैं। फर्स्ट नेम डालना है, फर्स्ट नेम क्या होगा, सूरज, जैसे मेरा नाम सूरज कुमार है, सरनेम कुमार है मेरा, तो मैं कुमार डालता हूँ। एड्रेस डालना है, जैसे मैं अपने इधर का एड्रेस डालता हूँ, अपने स्कूल का, अपने अपने डिपार्टमेंट का, ये है 17B श्री औरिबंदो मार्ग, श्री औरिबंदो मार्ग NCERT कैंपस, कैंपस न्यू दिल्ली। ये मेरा एड्रेस हो गया। अब इसी अब इसके बाद है स्टेट। अब किस स्टेट के हैं, तो ये स्टेट मैंने दिल्ली है मेरी, तो मैंने दिल्ली चूज़ किया। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, मेरी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर मेरी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट आ गई। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि योर एम्प्लॉय आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर कैसे क्या डालना है, एम्प्लॉय आईडी में क्या डालना है। एम्प्लॉय आईडी में वह डालेंगे जो आपका आई कार्ड नंबर हो, जो आपको कॉलेज स्कूल के एक एम्प्लॉयमेंट नंबर दिया गया हो, यूनिक नंबर जो आपका आइडेंटिटी बताता हो, तो वह डालना। जैसे आपके आई कार्ड में जो नंबर हो वो आप डाल सकते हैं, जैसे मेरा है 2345, तो मैंने ये डाल दिया, ये मेरा एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉयमेंट आईडी है। कॉन्टैक्ट नंबर में अपना मोबाइल नंबर डालिए, जैसे कि मैं डालता हूँ 7011651546, ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। यूडाइस नंबर, यूडाइस नंबर वह नंबर है जो कि आपको स्कूल का कोड होता है, तो इस स्कूल के कोड को यूडाइस नंबर कहते हैं, वो यहाँ पर आपको फिल करना है 12345। ये मैंने ऐसा ही डाला है ये, लेकिन आपको सही करेक्ट डालना है। स्कूल नेम, आपके स्कूल का नेम क्या है, जैसे एक एग्जांपल तौर पर था, तो मेरा नेशनल डिपार्टमेंट का नाम है नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप, स्कूल लीडरशिप, ये मेरे डिपार्टमेंट का नाम है, तो आप वहाँ पर अपने स्कूल का नाम डालिए। अब आप किस पोस्ट पर है, हेड टीचर, प्रिंसिपल, हेड टीचर इंचार्ज हैं तो इंचार्ज डालिए, हेड प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल डालिए, जैसे अभी मैं चूज़ कर रहा हूँ प्रिंसिपल। अब आप लेवल्स पे आते हैं। लेवल्स क्या होता है कि आपका स्कूल किस क्लास से किस क्लास तक है, जैसे आपका स्कूल है 6 to 12, तो आपका लेवल बनता है 6 to 12। अगर आपका स्कूल है 6 to 10 तो आप डालिए 6 to 10। अगर आपका स्कूल है 1 to 5 तो आप डालिए 1 to 5। अब नेक्स्ट आता है स्कूल टाइप, आपका स्कूल किस गवर्नमेंट के अंदर आता है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए या गवर्नमेंट एडेड में आता है या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट डालिए इधर। अब हमारी सारी फील्ड फिल हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सबमिट करेंगे। सबमिट का बटन जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म सबमिट होगा, ये फॉर्म सबमिट होगा, लेकिन इसमें दिखा रहा है कि मेरी ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें अपनी दूसरी ईमेल आईडी डालूँगा, सॉरी NCSL help desk। एक्चुअली वो मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है, तो इस वजह से NCSL help desk। अब मैं दोबारा सबमिट करता हूँ, इसको सबमिट हो रहा है।
अब ये जो पेज ओपन हुआ है ये कंफर्म अकाउंट के लिए बोल रहा है। इसमें लिखा है एन ईमेल शुड हैव बीन सेंड टू योर एड्रेस एट ncslhelpdesk@gmail.com। मतलब कि जो मेरी ईमेल आईडी है उस पर मेरा वेरिफिकेशन मेल एक आया है। उसी तरह का जो भी आप रजिस्टर ईमेल आईडी डालेंगे उस पर भी सेम ऐसे ही ईमेल आएगा। वेरीफाई कैसे करना है? अब जीमेल आईडी खोलिए अपनी। मैंने अपनी ईमेल आईडी खोली एनसीएसएल हेल्प डेस्क की। ओपन हो रही है, अभी वेट करना होगा, थोड़ा टाइम लगता है सर्वर की वजह से। अब आपके पास एक मेल आया होगा आपके मेल आईडी पर, उसको चेक कीजिए इस तरीके से। अब इस मेल आईडी पर जो लिंक ब्लू कलर का दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, यानी कंफर्म हो जाएगा कि आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ओके, थैंक यू।